नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में बात करते हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है खाद्य सुरक्षा से संबंधित। तो देखेंगे कि किस संदर्भ में अभी इसे लिखा गया है और देखेंगे कि खाद्य संकट होता क्या है। आखिर अक्सर आप लोग जब भी समाचार पत्र देखते होंगे या फिर सोशल मीडिया पर कई जगह आप लोग इस शब्द को देखते होंगे, खाद्य संकट। देखेंगे खाद्य संकट के किस कितने टाइप के होते हैं, यानी कि कितने प्रकार हैं। भारत में खाद्य संकट का ऐतिहासिक विवरण क्या क्या रहा है उसे देख लेंगे। COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस और खाद्य संकट किस तरह से संबंध में है इसे भी देख लेंगे। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की त्रिविमीय अवधारणा क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार के क्या अन्य प्रयास हैं उन्हें भी देखेंगे और खाद्य सुरक्षा की वैकल्पिक विधियां क्या हैं उसे भी देखेंगे हम लोग और अपनी तरफ से एक निष्कर्ष भी इसका निकालेंगे। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि आप लोग अभी कोरोना जो भी आर्टिकल आ रहे हैं लगभग आपके कोरोना वायरस से संबंधित ही आ रहे हैं, आप सभी देख रहे होंगे। मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और विश्व व्यापार संगठन के अधिकारियों द्वारा साझा बयान में आने वाले दिनों में वैश्विक बाजार में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में के संदर्भ में चिंता व्यक्त की थी। वर्तमान में अधिकारियों द्वारा व्यक्त की गई चिंता सत्य प्रतीत हो रही है क्योंकि लॉकडाउन के कारण विश्व के सभी देशों में कृषि गतिविधियां नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई हैं। यहां आपको तीन संगठन दिखाई दे रहे हैं। पहला आपका राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन, तो इसके बारे में वैसे तो हम लोगों ने डिटेल में बात की हुई है। महत्वपूर्ण संगठनों या फिर इंपोर्टेंट सर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसमें सभी आपके संगठन की बारे में बताया गया है, एक एक करके सबके बारे में बताया गया है। तो जो आपका राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन है इसकी स्थापना आपकी 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है रोम इटली में। फिर आपका WHO यानी कि जिसे आप लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसकी स्थापना आपकी 7 अप्रैल 1948 में हुई। इसका मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर उन्हें भी आप लोग देख सकते हैं अगर डिटेल में आप संगठनों के बारे में जानना चाहते हैं, UN क्या है, WHO क्या है, क्या काम है इनकी, तो वहां जाकर आप लोग देख लें इससे, ठीक है। क्योंकि अब आपका स्टेट PCS हो फिर चाहे सिविल सर्विस हो वहां भी आपके पूछते रहते हैं, वन डे एग्जाम के बारे में भी इसमें आते रहते हैं इससे क्वेश्चंस। इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों के सीमित होने के कारण बड़ी संख्या में लोगों को पूर्व में संग्रहित खाद्यान्न द्वारा भोजन भी उपलब्ध कराया गया। इस महामारी से उत्पन्न होने वाले खाद्य संकट से निपटने के लिए घरेलू स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत के लिए मानसून की बेहतर स्थिति खाद्यान्न संकट को दूर करने में सहायक हो सकती है, बशर्ते हमें बेहतर सहायक उपाय करने की जरूरत है। इससे पहले आप लोगों ने कई बार देखा होगा हमारे नेताओं के द्वारा कहते रहते थे कि 2 साल तक हम बैठा के हर व्यक्ति को खाना खिला सकते हैं, इतना हमारे पास खाद्यान्न उपलब्ध है। लेकिन कोरोना वायरस ने सब पोल खोल के रख दिए कि कौन कितने पानी में है, समझ रहे हैं आप लोग, कौन कितना गरीबों के तैसी है, कौन कितना अपना स्वार्थी है, सबकी पोल खोल के रख दी है। आप सभी ने देखा होगा कि मुझे नहीं लगता है कि कोई लॉकडाउन में कोई नेता या आपका मंत्री कोई विधायक रोड पर गरीबों की मदद करता हो दिखा हो, बाई चांस अगर एकाद हो तो मुश्किल से दिखा, लेकिन मुझे नहीं दिखा है। जिस तरह से सोनू सूद काम कर रहा है सोनू सूद, इस तरह से मुझे नहीं दिखा है कोई करते हुए, और जो वो काम कर रहा है एक काम था हमारे नेताओं का, लेकिन क्या दुर्भाग्य हमारे देश का कि ऐसे नेता हम लोग चुनते हैं। खाद्य संकट आखिर है क्या आपका,
खाद्य संकट को धन अथवा अन्य संसाधनों के अभाव में पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक अनियमित पहुंच के रूप में परिभाषित किया जाता है। खाद्य संकट के दौरान लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ता है, यानी कि खाने का जो भी आपका पौष्टिक पर्याप्त भोजन है ये ना मिल पाना आपका खाद्य संकट ही कहलाता है। खाद्य संकट के प्रकार की बात करें, यानी कि कितने टाइप के हैं, खाद्य संकट को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक आपका मध्यम स्तरीय खाद्य संकट। मध्यम स्तरीय खाद्य संकट से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें लोगों को कभी कभी खाद्य की अनियमित उपलब्धता का सामना करना पड़ता है और उन्हें भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता के साथ भी समझौता करना पड़ता है। दूसरा है आपका गंभीर खाद्य संकट। गंभीर खाद्य संकट का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें लोग कई दिनों तक भोजन से वंचित रहते हैं, उन्हें पौष्टिक एवं पर्याप्त आहार उपलब्ध नहीं हो पाता है। लंबे समय तक यथावत बने रहने पर यह स्थिति भूख की समस्या का रूप धारण कर लेती है आपकी। भारत में खाद्य संकट का ऐतिहासिक विवरण क्या रहा है उसे भी देख लीजिए। स्वतंत्रता के बाद से ही खाद्यान्न उत्पादन और खाद्य सुरक्षा देश के लिए बड़ी बड़ी चुनौती रही है। आप समझ सकते हैं कि जब तक हमारे लाल बहादुर शास्त्री के टाइम तक काफी योगदान लाल बहादुर शास्त्री का रहा खाद्यान्नों को बढ़ाने में, उत्पादन को बढ़ाने में, क्योंकि उस टाइम तक हम लोग काफी अमेरिका से खाद्यान्न यानी कि गेहूं आयात किया करते थे, लेकिन उनकी बात से काफी सुधार हुआ है। भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित चिंताओं का इतिहास वर्ष 1943 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हुए बंगाल अकाल में देखा जा सकता है, जिसके दौरान भुखमरी के कारण लगभग 2 मिलियन से 3 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी। आप समझ सकते हैं 2 से 3 यानी कि 20 से 30 लाख। भारत में 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में हरित क्रांति ने दस्तक दी, जैसे देश के खाद्यान्न उत्पादन में काफी सुधार आया। हरित क्रांति की सफलता के बावजूद भी इसकी यह कहकर आलोचना की गई कि इसमें केवल गेहूं और चावल पर अधिक ध्यान दिया गया था और इसका अधिक प्रभाव आपका पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2019 में सबसे अधिक कुपोषित लोग मौजूद थे। खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की तकरीबन 14.8% जनसंख्या आपकी कुपोषित है, कुल जनसंख्या में से, ठीक है। COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस और खाद्य संकट, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने आगाह किया है कि विश्व की 7 अरब 80 करोड़ आबादी का पेट भरने के लिए दुनिया में पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद 82 करोड़ से अधिक लोग भुखमरी का शिकार हैं। इस वर्ष COVID-19 के संकट के कारण 4 करोड़ 90 लाख अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीबी का शिकार हो सकते हैं और पोषण युक्त भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने की आशंका है। यहां तक कि जिन देशों में प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध है वहां भी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा होने का जोखिम दिखाई दे रहा है। फिर आपका खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की त्रिविमीय अवधारणा, बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धता। सर्वप्रथम बाजार में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी आपको। इसके लिए कृषि विपणन स्थलों में सुधार करने की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा पूर्व में कई महत्वपूर्ण सुधार भी किए गए जो इस प्रकार हैं आपके। मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लेसिंग एक्ट 2016 राज्यों को जारी किया गया, जो कृषि सुधार के संदर्भ में अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिसके माध्यम से न सिर्फ भू धारकों वरन लीज प्राप्तकर्ताओं कर्ता की जरूरतों का भी ख्याल रखा गया है। इसमें राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम ई नाम के तहत बेहतर मूल्य सुनिश्चित करके पारदर्शिता और प्रतियोगिता के माध्यम से कृषि मंडियों में क्रांति लाने की एक नवाचारी मंडी प्रक्रिया प्रारंभ की गई आपकी। सरकार ने मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज एक्ट 2018 जारी किया,
जिसमें पहली बार देश के अन्नदाता किसानों तथा कृषि आधारित उद्योगों को जोड़ा गया। इसमें पर्याप्त लोगों की खाद्यान्न तक पहुंच सुनिश्चित करना, खाद्यान्न तक पहुंच बेहतर कर सकती क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। कृषक के अतिरिक्त प्रत्येक को बाजार से खाद्यान्न क्रय करना पड़ता है। इस वैश्विक महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियां बाधित होने से लोगों के पास धन का संकट है, परंतु मनरेगा जैसी योजना के कारण लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, जिससे उनकी पहुंच खाद्यान्न तक सुनिश्चित हो पाई है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को सरकार द्वारा दी गई प्रोत्साहन राशि से पुनर्जीवित किया जा सकता है, जो व्यापक पैमाने पर रोजगार का सृजन करेगा। इस संकट के दौरान सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जरूरतमंद प्रत्येक व्यक्ति को अतिरिक्त राशन भी उपलब्ध कराया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्धारित खाद्य उत्पादों के अतिरिक्त बाजरा, दाल व तेल जैसे अन्य खाद्य उत्पादों को भी शामिल करना चाहिए। फिर आपका भोज्य पदार्थों का अवशोषण। खाद्य सुरक्षा का तीसरा आयाम शरीर में भोजन का अवशोषण, उसका समुचित उपयोग। भोजन का अवशोषण और उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं सहित स्वच्छता, पीने योग्य जल और अन्य गैर खाद्य कारकों पर महत्वपूर्ण ढंग से निर्भर है। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 संक्रमण के कारण बार बार हाथों को धोने से ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों में स्वच्छ पीने योग्य जल की कमी महसूस की जा रही है। फिर आपका खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार के अन्य प्रयास क्या हैं, उन्हें भी आप लोग देख लीजिए। राष्ट्रीय कृषि नीति खाद्य सुरक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति को लागू किया गया। इस नीति के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य प्रणाली को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना, कृषि उत्पादों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना, किसानों को वित्तीय सहायता उचित ब्याज दर पर उपलब्ध कराना, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से ग्राम स्तर पर चौपाल और फार्म स्कूल स्थापित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि किसानों के पास उत्पादन के लिए साधन उपलब्ध हैं या नहीं, अच्छी गुणवत्ता के बीज का प्रयोग बढ़ाना आदि क्रियाएं भी क्रियान्वित करना इस नीति में शामिल है। आपका राष्ट्रीय कृषक नीति में फिर आपका खाद्य सब्सिडी योजना। खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार समय समय पर खाद्य सब्सिडी जारी करती है ताकि खाद्य संकट पैदा ना हो। राष्ट्रीय वर्षा पोषित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना। खाद्य सुरक्षा की कल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्रीय वर्षा पोषित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना की गई। इस प्राधिकरण का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा की स्थिति बरकरार रखने के लिए वर्षा पोषित क्षेत्रों की समस्या पर पूरा ध्यान देना तथा भूमिहीन और छोटे किसानों से संबंधित समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित करना है, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में कमी ना हो। फिर आपकी खाद्य सुरक्षा की वैकल्पिक विधियां। खाद्यान्न कूपन प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को खाद्यान्न कूपन देकर उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर मुद्रा के स्थान पर स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसी दुकानों पर गेहूं चावल की बिक्री पिछले बाजार मूल्य पर होनी चाहिए, परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। इस कूपन प्रणाली में सही सफलता तभी प्राप्त होगी जब निर्धनों की पहचान के लिए विशिष्ट पहचान संख्या लागू की जाएगी। फिर आपकी बहुउपयोगी स्मार्ट कार्ड। प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ बहुउपयोगी स्मार्ट कार्ड व्यवस्था अस्तित्व में आई है। इन कार्डों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को सरल बनाया जा सकता है। इस प्रकार यदि सभी आर्य परिवार की पहचान, अधिकृत लेन देन की जानकारी तथा प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा आदि का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध हो तो खाद्यान्न के निर्गम के समय इसकी पुष्टि की जा सकती है। विवरण की जानकारी भी ऑनलाइन हो जाने से कार्यक्रम की प्रगति भी आसान हो जाएगी। फिर आपका वेब आधारित प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत एक ऐसी वेबसाइट विकसित की जा सकती है जिस पर प्रत्येक लाभार्थी परिवार जो भोजन पाने
अधिकार कानून के तहत खाद्यान्न की एक निर्धारित मात्रा रियायती मूल्य पर पाने का हकदार है का विवरण उपलब्ध हो। इसके अलावा इसकी जांच वितरण केंद्र पर अधिकारियों एवं लाभार्थी परिवार के मुखिया द्वारा कभी भी की जा सकती है। पर्याप्त का बफर स्टॉक बढ़ाना अत्यावश्यक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों, दालों, चीनी इत्यादि वस्तुओं के भंडारण व आयात का पूर्वानुमान लगाकर बफर स्टॉक बनाए जाने की रणनीति तैयार की जानी चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार और जमाखोरी को रोका जा सकता है। इसमें क्या कहा जा सकता है, निष्कर्ष था कि COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान भारत स्वास्थ्य चुनौतियों के अतिरिक्त जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उनमें से खाद्य सुरक्षा की चुनौती सबसे प्रमुख चुनौती में से एक है। इसलिए है कि आप देख रहे होंगे कि जो डेली का कमाते थे, डेली का खर्च करते थे, जैसे आपके रेडी वाले हो गए, रिक्शे वाले हो गए, इनका तो पूरा बंद पड़ा हुआ है ना। आप सोचिए, इनके पास इतनी पूंजी नहीं होती थी कि 2 महीना अपना खर्च चला सकें, और सरकार ने कितनी मदद की है और कितनी नीचे तक पहुंची है, आप लोग इसे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हकीकत आप लोग जानते हैं कि क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या रहता है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते खाद्य मूल्य और जलवायु परिवर्तन का खतरा ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे युद्ध स्तर पर निपटे जाने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए जूझ रहा हो उसे दर्शनवाद नहीं समझाया जा सकता है। यदि भारत को विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल होना है तो उसे अपने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। तो ये कहानी थी आपकी खाद्य सुरक्षा से संबंधित।